हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंग्लिश इंग्लिश कक्षा 3 का चैप्टर 6, गुड वेंस और एविल, बुराई पर अच्छाई की जीत। तो चलिए पढ़ते हैं। दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए रिच मैन एंड ए पुअर बैगर। यह कहानी एक अमीर आदमी और एक गरीब, पुअर यानी गरीब, बैगर यानी भिखारी, गरीब भिखारी की कहानी है। लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड ए रिच मैन इन ए सिटी। एक शहर में एक अमीर आदमी रहता था। ही हैड अर्न ए लॉट ऑफ मनी थ्रू हिज बिजनेस। उसने अपने बिजनेस के जरिए बहुत सारे पैसे कमाए। ही वॉज वेरी फन ऑफ हंटिंग एनिमल्स। उसे जानवरों का शिकार करने का बहुत शौक था। बट ही वॉज ए माइजर। वो कंजूस भी था। ही नेवर गेव ए पैसा टू एनी बैगर हु केम टू हिज डोर। अगर उसके दरवाजे पे कोई भिखारी आता तो वो उन्हें उन्हें एक पैसा भी नहीं देता। ही शाउटेड एट ए बैगर्स एंड मेड देम रन अवे। वो भिखारियों पर चिल्लाता था और उन्हें भगा देता था। ही हेटेड देम। वो उनसे नफरत करता था। वन डे, एक दिन, ए पुअर बैगर हु वॉज वेरी हंग्री एंड टायर्ड केम टू हिज डोर। एक दिन एक गरीब भिखारी जो कि बहुत ही भूखा था, हंग्री यानी भूखा एंड टायर्ड यानी थका हुआ, केम टू हिज डोर, उसके दरवाजे पर आया। ही हैड रैग्ड क्लोथ्स ऑन हिज बॉडी। उसने फटे पुराने कपड़े उस पहन रखे थे। ही सेड टू द रिच मैन। उसने अमीर आदमी से कहा, आई हैव बीन वॉकिंग ऑल डे। मैं पूरे दिन से चला हूँ। आई एम वेरी टायर्ड एंड हंग्री, इसलिए और मैं भूखा भूखा हूँ और थका हुआ हूँ। विल यू प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए देंगे? गो अवे, चले जाओ, यू लेजी फेलो, तुम आलसी हो, सेड द रिच मैन रूडली। अमीर आदमी ने बेरुखी से कहा, आई हैव नो फूड फॉर यू। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं है। वेल, अच्छा, प्लीज गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। कृपया मुझे कुछ पीने के लिए मिलेगा पानी? सैड द बैगर, भिखारी ने कहा। भिखारी ने क्या कहा कि क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा? गो अवे, चले जाओ, यू आइडल भिखारी, तुम बेकार के भिखारी हो, निकम्मे भिखारी। शाउटेड द रिच मैन एंग्रीली। रिच मैन ने, अमीर आदमी ने गुस्से से चिल्लाया। द टर्न द बैगर टर्न एंड स्लोली वॉक्ड डाउन द रोड। बैगर है जो वापस घूमता है और धीरे धीरे सड़क की तरफ चलने लगता है। आई एम टायर्ड ऑफ दीज बैगर्स। मैं बहुत थक गया हूँ इन भिखारियों से। दे नेवर लेट मी रेस्ट इन पीस। ये मुझे बिल्कुल भी कभी भी आराम नहीं करने देते। क्या कहते हैं, रिच अमीर आदमी कहता है कि ये मैं इन भिखारियों से थक गया हूँ और ये मुझे कभी भी शांति से सोने नहीं देते हैं, आराम नहीं करने देते। सेड द रिच मैन टू हिमसेल्फ व्हेन द बैगर हैड गोन। रिच अमीर आदमी ने अपने आप से कहा, हिमसेल्फ यानी खुद से कहा, व्हेन द बैगर हैड गोन, भिखारी चले गया। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, आफ्टर ए फ्यू डेज द रिच मैन वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर द हंटिंग। कुछ दिनों के बाद ए वो अमीर आदमी था जो कि जंगल में निकला शिकारी, वो जानवरों की शिकार करने के लिए। बट ही कुड नॉट फाइंड एनिमल टिल इट वॉज डार्क। लेकिन उसे देर रात तक कोई भी जानवर उसे नहीं मिला। ही ऑल्सो लॉस्ट हिज वे। और वो अपना रास्ता भी भटक गया था। ही वॉज
अलोन, और वो बिल्कुल अकेला था। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड हंग्री, वह बहुत थका हुआ और भूखा था। ही वॉज इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, और वो खाने की और पानी की तलाश में था। एट लास्ट, अंत में, ही केम टू ए हट वेयर द पुअर बेगर वॉज स्टैंडिंग। अंत में वो भिखारी के झोपड़ी के पास में गया, जहाँ की वो भिखारी खड़ा था। स्टैंडिंग यानी खड़ा था। द बेगर रिकग्नाइज हिम, बट द रिच मैन कुड नॉट रिकग्नाइज हिम। लेकिन जो भिखारी था, उसने उस अमीर आदमी को पहचान लिया था, लेकिन उस अमीर आदमी ने उस भिखारी को नहीं पहचाना। द रिच मैन वेंट अप टू हिम एंड सेड, रिच मैन उसके पास में गया और उसे कहा, आई हैव लॉस्ट माई वे इन द फॉरेस्ट एंड आई एम वेरी टायर्ड एंड हंग्री। मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ, और इस जंगल में मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ, और मैं बहुत थका हुआ और भूखा हूँ। विल यू प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट एंड ऑल्सो शो मी माई वे आउट इन द फॉरेस्ट। कृपया तुम मुझे कुछ खाने के लिए दोगे, और मैं क्या तुम मेरी मदद करोगे रास्ता ढूंढने में। अमीर आदमी भिखारी से क्या कहता है कि क्या तुम मुझे जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखाओगे। द बेगर सेड, भिखारी ने कहा, यू आर द मोस्ट वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर श्रीमान, बट इट इज टू डार्क एंड वेरी डेंजरस टू ट्रेवल एट नाइट इन द फॉरेस्ट। लेकिन रात में ट्रेवल करना यानी यात्रा करना बहुत ही जंगल में खतरनाक हो सकता है। इफ यू लाइक, अगर आप चाहो, यू मे टू टेक रेस्ट इन माई हार्ट फॉर द नाइट, अगर तुम चाहो तो इस रात के लिए मेरी झोपड़ी में आराम कर सकते हो। व्हेन इट इज मॉर्निंग, जब सुबह हो, आई विल शो यू द वे, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सरदार रिचमैन, अमीर आदमी ने कहा। द बेगर गेव हिम सम ब्रेड टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक, भिखारी ने उसे कुछ रोटी दी और पीने के लिए पानी दिया। देन ही स्प्रेड हिज ओवन शीट ऑन द ग्राउंड फॉर हिम टू स्लीप ऑन, और उसने जिस चटाई को बिछा दी सोने के लिए, उसने फर्श में चटाई को बिछा दी सोने के लिए। द रिच मैन फॉरगेट हिज लग्जरियस हाउस एंड कंफर्टेबल बेड, जो अमीर आदमी था वो अपने शानदार घर को और आरामदायक बेड को भूल गया। ही स्लेप्ट साउंडली द होल नाइट, और वो रात को शांतिपूर्वक सो गया। इन द मॉर्निंग व्हेन ही वोक अप, जब सुबह हुई तो वो जगा। द बेगर गेव हिम सम वाइल्ड फ्रूट फॉर ब्रेकफास्ट, भिखारी ने उसको कुछ नाश्ता करने के लिए जंगली फ्रूट्स उन्हें दिए। बोथ वॉक्ड टुगेदर, वो साथ साथ चले। फॉर सेवरल मील्स, घने जंगल से मील्स थ्रू द वो घने जंगल से साथ साथ चले, और घने जंगल से होते हुए वो साथ साथ गए। एट द एंड, अंत में, द बेगर सेड टू द रिच मैन, भिखारी ने अमीर आदमी से कहा, नाउ वी आर आउट ऑफ द फॉरेस्ट, अब हम जंगल के बाहर है। फॉलो दिस ट्रैक फॉर अबाउट ए मील एंड हाफ एंड यू विल रीच योर होम, जब हम इस रास्ते चलेंगे तो लगभग 1 माइल्स और हाफ माइल्स आधा माइल्स दूर चलेंगे तो आप अपने रास्ते पे पहुंच जाओगे, अपने घर पे पहुंच जाओगे।
जब वो साथ साथ दोनों घने जंगल की ओर से गुजर रहे थे, तो बाद में भिखारी ने अमीर आदमी से कहा कि अब हम जंगल के बाहर हैं और अब जब आप इस ट्रैक पे चलोगे तो एक या आधे मील दूर चलोगे तो तुम अपने घर पे पहुंच जाओगे। ऑल द वे द रिच मैन वॉज थिंकिंग दैट ही हैड सीन पुअर मैन बिफोर, बट ही कुड नॉट रिकलेक्ट वेयर एंड वी हैड सीन हिम, वेयर एंड वेन हैड सीन हिम। जब वो रास्ते से जा रहा था तो पूरे दिन उसने सोचा, अमीर आदमी ने सोचा कि उसने पुअर मैन उसको गरीब आदमी को कहीं देखा है, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो पहचान नहीं रख पा रहा था कि वेयर एंड वेयर हैड सीन हिम, लेकिन उसे कहाँ देखा है वो पहचान नहीं पा रहा था। तो उसने उसको कहाँ देखा ये वो याद नहीं कर पा रहा था। व्हेन ही वॉज टेकिंग लीव ऑफ द बेगर, तो जब वो बेगर उसको छोड़ के जा रहा था, जब अमीर आदमी भिखारी को छोड़कर जा रहा था, थैंकिंग हिम टू हिम फॉर हिज हॉस्पिटलिटी, तो वो उसको धन्यवाद दे रहा था उसके सत्कार के लिए। ही सैड, उसने कहा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई हैव सीन यू बिफोर, अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने आपको कहीं देखा है। यस रिप्लाई द बेगर, हाँ भिखारी ने कहा, डोंट यू रिमेम्बर दैट सम टाइम अगो यू टर्न ए टायर्ड एंड ए हंग्री बेगर फ्रॉम योर डोर वन इवनिंग, डोंट यू रिमेम्बर, अगर आपको याद नहीं है, दैट सम टाइम अगो कुछ समय पहले, यू टर्न ए टायर्ड एंड ए हंग्री बेगर, लौटा दिया था एक थके हुए और भूखे भिखारी को फ्रॉम योर डोर आपके दरवाजे से, वन इवनिंग एक शाम को आपने, आपको याद नहीं हो तो एक शाम को आपने गरीब और थके हुए भिखारी को आपने लौटा दिया था। द रिच मैन फेल्ट अशेम्ड फॉर हिमसेल्फ, अमीर आदमी खुद पर शर्मिंदा हुआ। ही सेड, उसने कहा टू द बेगर, भिखारी से, उसने भिखारी से कहा, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत खेद है, आई विल नेवर ट्रीट ए पुअर, मैं कोई बुरा व्यवहार नहीं करूंगा पुअर यानी गरीब पर, हंग्री यानी भूखा भिखारी, लाइक देन अगेन, दोबारा से, मैंने तुम्हारे साथ में किया ऐसा मैं किसी भी भूखे भिखारी और थके हुए भिखारी के साथ में दोबारा नहीं करूंगा। यू हैव रिटर्न गुड फॉर इवन, यू हैव रिटर्न गुड फॉर एविल, तुमने बुराई पर अच्छाई की हासिल की है, तुमने बुराई के लिए अच्छाई लौटाई है, रिटर्न यानी लौटाना। यू हैव थस टॉट मी ए वैल्यूएबल लेसन, तुमने मुझे एक मूल्यवान पाठ पढ़ाया है। यू हैव दस टॉक मी ए वैल्यूएबल लेसन, तो आपने मुझे एक मूल्यवान पाठ पढ़ाया है। तो ये थी बच्चों आज की कहानी, यह एक गरीब और अमीर आदमी की कहानी थी, गरीब भिखारी और अमीर आदमी की कहानी थी। इसमें गरीब आदमी ने, जो गरीब भिखारी था, उसने अमीर आदमी को बुराई पर अच्छाई का पाठ पढ़ाया। तो देखिए आगे पढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग, अ लॉट ऑफ, वेरी मच, रैग्ड, ओल्ड क्लोथ्स, गेट अवे, रन अवे, रूडली, हर्शली, टायर्ड ऑफ, वेरी, रिकॉग्नाइज, नो, साउंड स्लीप, डीप स्लीप, रिकलेक्ट, रिमेंबर, हॉस्पिटलिटी, रिसेप्शन।
तो ये था बच्चों आज का लेसन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।